राष्ट्रपति चुनाव का सियासी समीकरण, कभी उत्तर दक्षिण बना मुद्दा, कभी सामाजिक समरसता को प्रमुखता, 15 चुनाव, 14 राष्ट्रपति और हमारा गणतंत्र। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में राष्ट्रपति का चुनाव अक्सर क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को साधने का जरिया बन जाता है। सत्ता में बैठी पार्टियां कभी इसी बहाने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संतुलन साधती नजर आती हैं, तो कभी देश के सर्वोच्च पद के जरिए सामाजिक समरसता के ताने बाने को भी दुरुस्त करने की कोशिश होती है। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और सियासी किस्से में आज बात राष्ट्रपति चुनावों और उम्मीदवारों के इतिहास की। 15 चुनाव, 14 राष्ट्रपति। देश में अब तक राष्ट्रपति पद के लिए 15 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 14 शख्सियतों का राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हो चुका है। अब तक के राष्ट्रपतियों में 6 ब्राह्मण, 3 मुस्लिम, 2 दलित, 1 कायस्थ, 1 महिला और सिख समाज से आने वाले एक एक शख्स शामिल हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्हें लगातार 2 टर्म यानी कि 10 साल इस पद पर रहने का मौका मिला। दिलचस्प ये है कि देश के जो 14 राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं उनमें 7 दक्षिण भारत के थे। इनमें तमिलनाडु के सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन और APJ अब्दुल कलाम, आंध्र प्रदेश से जाकिर हुसैन और नीलम संजीव रेड्डी, केरल के KR नारायणन और ओडिशा से VV गिरी शामिल हैं, जबकि 7 राष्ट्रपति शेष भारत से चुने गए हैं। किस प्रदेश से कितने राष्ट्रपति? प्रांतवार राष्ट्रपतियों की बात करें तो दक्षिण भारत के 7 राष्ट्रपति हटाकर अन्य राज्यों में बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दिल्ली से फखरुद्दीन अली अहमद, पंजाब से ज्ञानी जैल सिंह, मध्य प्रदेश से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, राजस्थान और महाराष्ट्र की प्रतिभा पाटिल, पश्चिम बंगाल के प्रणब मुखर्जी और उत्तर प्रदेश के रामनाथ कोविंद शामिल हैं। पद पर रहते हुए जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण 3 लोगों को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाना पड़ा। कांग्रेस बनाम BJP। दिलचस्प बात यह है कि सवर्णों की पार्टी बताई जाने वाली BJP ने अपने 14 साल के 3 टर्म में मुस्लिम, दलित और आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए प्रोजेक्ट किया। वहीं दलित, आदिवासी और पिछड़ों के उत्थान की बात करने वाली कांग्रेस के लगभग 55 साल के शासन में एक भी आदिवासी या दलित राष्ट्रपति नहीं बन सका। कांग्रेस ब्राह्मण, सिख, महिला, कायस्थ जैसे अपर क्लास तक सिमटी रही। आपकी नजर में अब तक का बेहतरीन राष्ट्रपति कौन रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।